नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक दुनिया समानांतर से, जो हमारी अगली कहानी है वो है मछलियाँ। इस कहानी को लिखा है उषा प्रियंबता ने और इसी कहानी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पिछला वीडियो था उसमें हमने खोई हुई दिशाएँ के बारे में चर्चा की थी, तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मछलियाँ कहानी की। सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि देख लेते हैं कितने प्रमुख पात्र हैं और फिर उस कहानी को समझेंगे, फिर ये समझेंगे कि ये कहानी कहना क्या चाहती है, आखिर इससे क्या निकल के सामने आता है। तो देखिए, इसमें जो प्रमुख पात्र हैं आप समझ लीजिए, एक पात्र है उसका नाम है नटराजन, दूसरा है मनीष, तीसरी है विजी, विजी का पूरा नाम है विजय लक्ष्मी, और चौथी है मुकी, इसका पूरा नाम है नयन तारा मुखर्जी। ठीक है, तो नयन तारा मुखर्जी, विजय लक्ष्मी, मनीष और नटराजन। अब एक एक करके समझते हैं इनका क्या रिश्ता है। देखिए, नटराजन जो है ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, वेल सेटल्ड है, अच्छे पैसे पे अमेरिका में जॉब करता है एक लैब में। ठीक है, पीएचडी करके भारत से गया है और अमेरिका की एक लैब में अच्छे तनख्वाह पे जॉब करता है, वेल सेटल्ड है और ज़्यादा मतलब फॉरवर्ड आदमी नहीं है, ठीक ठाक है, बस पढ़ाई लिखाई में हमेशा रहा है और कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। दूसरे आते हैं मनीष। मनीष जो है ये एक आधुनिक लड़का है, छिछोरा टाइप का लड़का है, जो कि बार बार किसी, कभी उस लड़की से प्रेम हो गया, कभी किसी और लड़की से प्रेम हो गया, कभी किसी को घुमा रहा है, कभी किसी को घुमा रहा है। ये है मनीष, जैसे कि कॉलेज में होते हैं सीधे से लड़के, सीधे से नहीं, सीधा सा तो ये है, दूसरा कैटेगरी है ये। ये भी अमेरिका चला गया है और नटराजन और मनीष दोनों साथ साथ एक ही घर में रहते हैं अमेरिका में, ये दोनों फ्लैटमेट हैं। अब बात करते हैं विजी कौन है। तो देखिए, विजी पटना की रहने वाली है और विजी को प्यार हो गया है मनीष के साथ, भारत में ही दोनों को प्यार हो जाता है, मनीष चला आता है अमेरिका। अब अमेरिका मनीष को पाने के लिए, मनीष से शादी करने के लिए विजी भी अमेरिका आ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मनीष है और विजी है, दोनों के बीच में भारत में प्यार होता है और पहले मनीष अमेरिका आ जाता है, उसके पीछे पीछे विजी भी आ जाती है, मनीष से प्यार करती है तो चली आती है। इस बीच जब ये विजी आ रही होती है अमेरिका, जब ये पहुंचने वाली होती है, तो मनीष उस वक्त अमेरिका से, जहां वो जिस जगह शहर में पहुंच रही है वहां से ये चले जाते हैं मैक्सिको। ठीक है, ये मैक्सिको चला जाता है। इस बीच में एक घटना ये होती है कि मनीष को एक दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है, इस लड़की का नाम है मुकी, मुकी का पूरा नाम है नयन तारा मुखर्जी। तो नयन तारा मुखर्जी से मनीष को हो जाता है प्यार, अब ये इसको घुमाने लगता है, ये इसको अपने मतलब देश को छोड़कर आई है इसके पास। जब ये आती है तो पता चलता है कि ये किसी और के साथ है और वो भी बात यह है कि ये मैक्सिको चला गया है। तो नटराजन अपने यहाँ लाते हैं इसको, मतलब जाके वहाँ से रिसीव करते हैं एयरपोर्ट से ला के, और मुकी के घर में ही इसको रख देता है। मुकी का जो कमरा है, जो घर है मुकी का, वहां पे विजी भी आके रहने लगती है। अब देखिएगा यहाँ पे खेल क्या चल रहा है, विजी को प्यार है मनीष से, मनीष को प्यार था विजी से, मनीष को प्यार है मुकी से। ठीक, ये कहानी चल रही है। मनीष चला गया है मैक्सिको। इस बीच में ये जो है नटराजन, ये जॉब कर रहे हैं, मुकी के बारे में भी बता दिया, अमेरिका में है। अब जब कुछ समय बीतता है और मनीष, जब इसको पता लगता है नटराजन, इसको विजी को पता लगता है कि मनीष जो है वो किसी और लड़की को चाहता है, वो लड़की है मुकी, तो दोनों में झगड़ा भी होता है। एक बार सारे लोग एकजुट इकट्ठे हुए थे, खाना पीना चल रहा था, उसी बीच में इन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब विजी कहती है कि एक अलग हमको मकान दिलवा दो, तो नटराजन उसको एक अलग मकान दिलवा देता है अमेरिका में, वो एक दूसरे मकान में रहने लगती है। अब नटराजन को क्या लगता है, नटराजन थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है विजी की तरफ। इसमें एक चीज समझने वाली बात है, मुकी जो है ये आधुनिक लड़की है, मॉडर्न लड़की है, स्टाइल में रहने वाली लड़की है, हमेशा अपना जो भी चीजें रखती है वो भी ब्रांडेड, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी लड़की जो मॉडर्न लड़की है और सीधी सादी बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से चलती है मुकी। मतलब क्या है, वो ये नहीं है कि इमोशनल है, कि इमोशन में आके किसी से प्यार किया उससे शादी कर ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विजी इमोशनल है यहाँ पे, लेकिन मुकी बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, वो अपने जिंदगी के सारे फैसले बिल्कुल रैशनल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से लेती है, जबकि विजी जो है ये थोड़ी सी इमोशनल टाइप की इंसान है, और ठीक वैसे ही नटराजन भी हैं। अब नटराजन अट्रैक्ट हो जाता है विजी की तरफ, लेकिन चूंकि अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है विजी का, किसके साथ, मनीष के साथ,
तो अभी वो उस मानसिक अवस्था में नहीं है कि किसी और इंसान के प्रेम को स्वीकार कर पाए। तो इस कंडीशन में नटराजन इनसे एक बार कोशिश करता है विजी से अपने मन की बात कहने की, और ये मन की बात यही कहता है कि मैं तुमको चाहता हूं, तुम अच्छी लगती हो, इस तरह की तमाम चीजें। अब नटराजन ये बात विजी से कहे, विजी ने बात बीच में ही रोक दी और कहा कि ये सब मत करो, इसमें कोई फायदा नहीं है और मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। हालांकि कुछ समय के बाद विजी को लगता है कि नटराजन की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए थी, ऐसी क्या गलती है, मनीष तो ऐसे छिछोरा आदमी है, वो तो निकल ही गया किसी और के साथ, तो क्यों ना हम मैं नटराजन को स्वीकार कर लूं। फिर इसके मन में ये चलता रहता है कि काश एक बार फिर से नटराजन हिंट करे, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस एक बार हिंट करे तो मैं अपना सब कुछ छोड़ के उसके साथ हो जाऊं, उससे शादी करके अपनी गृहस्थी वसा लूं। ये कौन सोच रही है? विजी सोच रही है। लेकिन नटराजन इधर क्या है, नटराजन के साथ दिक्कत हो गई। नटराजन के साथ दिक्कत ये हो गई कि इसने मना कर दिया तो ये अब थोड़ा सा अलग हो गया है। दूसरी बात क्या है, ये मनीष जो है मैंने पहले ही बताया छिछोरा टाइप का है, एक लड़की घुमाएगा फिर उसको छोड़ेगा दूसरी को घुमाएगा। इस बीच में मनीष चला जाता है कनाडा। देखिए कहानी कितनी शानदार तरीके से लिखी गई है। मनीष चला जाता है, यह है कनाडा। जब मनीष कनाडा चला जाता है तो अब मुकी जो है ये नटराजन के साथ सेट हो जाती है। कैसे सेट होती है देखिए समझिएगा, थोड़ा सा इसके भाषा पे मत जाइए, आप ये समझिए कहानी आपको समझाने के लिए इस तरह से बोला जा रहा है। नटराजन मुकी को पहले ही बताया मैंने कि प्रैक्टिकल लड़की है, रेशनल लड़की है, उसको दिख रहा है कि 8,000 रुपये महीने का तनख्वाह अमेरिका में पा रहा है एक लड़का, उसका नाम है नटराजन। दुनियादारी से नटराजन को कोई मतलब नहीं है, यानी कि वो किसी लड़की पर डोरे भी नहीं डालेगा, जैसे कि मनीष है वो किसी के साथ भी भिड़ सकता है। तो मनीष विश्वास पात्र नहीं है, विश्वास नहीं किया जा सकता है मनीष के ऊपर, लेकिन नटराजन के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। और शादी के लिए चूंकि मुकी जो है वो प्रैक्टिकल इंसान है तो उसको दिख रहा है कि ये हर तरह से विवाह के योग्य है, ये विवाह के योग्य हर तरह से है, क्योंकि इसके पास पैसा भी है, वेल सेटल्ड भी है और व्यवहार भी ठीक है, कहीं इधर उधर देखता भी नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा है कि इससे विवाह किया जाए। तो मुकी की शादी तय हो जाती है नटराजन के साथ, और यह बात पता लगता है विजी को। विजी को जब पता लगता है तो बहुत ज्यादा वो आहत हो जाती है कि ये जो लड़की है मुकी, इसी की वजह से मनीष से भी मेरा रिश्ता टूटा और नटराजन से भी रिश्ता टूटा। हालांकि नटराजन के साथ इसका कोई रिश्ता है नहीं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो बन रही है ना, उसके मन में इच्छा तो है कि अब अगर नटराजन बोल देगा तो मैं कर लूंगी। तो इसलिए यहां पर ये जब केस आ जाता है तो मुकी को लगता है, तो इसको लगता है, विजी को ऐसा लगता है कि यार एक लड़की ऐसी है जो कि बार बार हर तरह से मुझे 2 बार चोट दे चुकी है एक तरह से। तो यहां पर एक चीज और समझना है कि इस कहानी का नाम मछलियां क्यों है। ये पूछता है नटराजन एक बार कॉफी पीने विजी के घर जाता है और वहां पे बातचीत होती है और कैसा चल रहा है, तो वो बताती है कि एक नाटक देखा था मैंने, और वो नाटक क्या देखा था, तो नाटक थी बड़ी मछली छोटी मछली। उस नाटक में ये था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये उस नाटक का सार था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। विजी कहती है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है तो मैं ये सोचती हूं क्या कभी छोटी मछली उलटकर वार नहीं कर सकती है, और पूरी की पूरी कहानी सिर्फ इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड है कि क्या छोटी मछली कभी उलटकर बड़ी मछली पे वार नहीं कर सकती है। यहां पे छोटी मछली का तात्पर्य है विजी से और बड़ी मछली का तात्पर्य है मुकी से। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, मतलब मुकी मनीष को भी ले गई थी एक समय इससे दूर, और एक समय नटराजन को भी इस लड़की से दूर ले जा रही है, यानी कि मुकी बड़ी मछली है, छोटी मछली को खा जाती है। छोटी मछली यहां पे विजी है, और विजी कहती है क्या छोटी मछली कभी पलट कर वार नहीं कर सकती। पूरी कहानी इस एक स्टेटमेंट पर है कि छोटी मछली बड़ी मछली पे वार कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो नटराजन और मुकी की का विवाह तय होने वाला है, तय हो चुका है, कार्ड वगैरह बांटे जा रहे हैं। अचानक से एक दिन जब ये लैब में काम कर रहा होता है नटराजन, तो विजी आती है और आके लैब में कहती है कि मैं अब अमेरिका में रहना नहीं चाहती हूं, यहां से मन उब गया है, वैसे भी मनीष अब चला गया है कनाडा और मेरा यहां पे कोई अपना है नहीं, तो ऐसा करते हैं कि मैं चली जाती हूं वापस से भारत, तुम मुझे $1,000 दे सकते हो। अब भाई इनको मन ही मन में प्यार तो था ही, इसके लिए दया भी थी प्यार भी था, तो इसने सोचा कि चलो तुरंत तुरंत चेक काटते हैं। तो तुरंत इन्होंने $1,500 का चेक काटा और चेक काट के इनको तुरंत दे दिया। 1500 का ही काटा, कितना काटा एग्जैक्ट याद नहीं है, देख लेना। तो ये तुरंत चेक काट के इनको दे देते हैं। किसको देता है भाई? विजी को चेक काट के देता है। और विजी को जब ये चेक काट के देता है तो विजी अब चली जाएगी कहां?
चली जाएगी भारत, वो ये कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, मुझे प्लेन का टिकट मिल गया है, लेकिन तुम एयरपोर्ट पे मत आना। लेकिन मनी मन में ये भी है कि काश कि वो आ जाए, काश कि वो आ जाए, एक बार फिर से कह ही दे मुझसे कि फिर से वही बात कह दे जो पहले कहना चाहता था। अगर वो कह देता तो ये रुक जाती, उसके साथ हो जाती। ये इसने प्लान, अब इसने एक प्लान किया कि जो इसके मन में बार बार आ रहा है कि छोटी मछली क्या पलटकर वार नहीं कर सकती, तो अंत में ये क्या करती है, एक वार कर ही देती है। और वार क्या करती है ये देखिएगा, ये एयरपोर्ट से छोड़कर आते हैं, आके जैसे ही ये घर पहुंचते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं सोफे पर मुक्की पड़ी हुई है, लेटी हुई है और गुस्से में है बिल्कुल। और जैसे ही ये अंदर घुसते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तुरंत वो अंगूठी निकाल के फेंक देती है और कहती है कि अपनी अंगूठी लो और यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, दफा हो जाओ, तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पूछता है भाई क्यों गुस्सा हो, तो वो कहता है इसलिए गुस्सा हूँ कि तुमको ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। पूछता है सच में मुझे नहीं पता है, बताओ क्या है। तो तुम विजी से प्यार करते थे, विजी के साथ तुम्हारे कुछ रिश्ते थे, तुमने मुझे बताया नहीं, और तुमने उसको $1,000 दिया है और कहा है कि यहाँ से डॉक्टर के यहाँ जाना और डॉक्टर के यहाँ से सीधे भारत चली जाना। अब ये डॉक्टर बीच में कहाँ से आ गया, पूरी कहानी में यही है पलटकर वार करना। ये विजी जाते जाते मुकी से मिलती है और मुकी से कह देती है कि $1,000 दिया और कहा है डॉक्टर से दिखा लो। अब डॉक्टर से दिखा लो तो एग्जैक्ट बात नहीं कही गई है, क्या दिखा लो, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे बात हो रही है एबॉर्शन की, यानी गर्भपात की। वो कहता है कि उस ये ऐसा एक इशारा दे जाती है कि मेरा उसके साथ कुछ रिलेशन था और उसने कहा है कि पैसे लो, डॉक्टर के यहाँ जाओ और वहां से फिर चली जाना सीधे भारत। ये कहानी का कुल सार है। अंत में क्या होता है, कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कुछ नहीं पता कि क्या मुकी और नटराजन का शादी होगी कि नहीं होगी शादी, इसके बारे में कुछ नहीं कही जाती। अब देखिए खास बात क्या बनाती है इस कहानी को, अगर ये कहानी प्रेमचंद के युग में लिखी जाती, जो हमने कहानी के इतिहास में पढ़ा है, तो उस युग में ये होता कि ये जो महिला है विजी, ये भारत चुपचाप चली जाती और किसी तरह की गलतफहमी नटराजन और मुकी के बीच में नहीं करती। वो ये दिखाता कि वो अपने इतना प्यार करती थी कि प्यार के कारण उसने अपने प्यार कर रही है, मगर त्याग कर दिया उसने। त्याग की बलिदान की प्रतिमूर्ति जो स्त्री को दिखाया गया है, उषा प्रियंवदा जी ने इसको बिल्कुल काट दिया है। यहां पे उन्होंने दिखाया है कि स्त्री जो है वो त्याग करती है तो वो प्रतिशोध भी ले सकती है, और एक तरह से प्रतिशोध भी। इसके साथ साथ उन्होंने दिखाया है कि स्त्रियों को जो एक आदर्शवाद, हमेशा आदर्श माना जाता है कि स्त्रियां आदर्श हैं, वो कभी गलती नहीं करेंगी, प्रेम में हमेशा अच्छा ही रहेंगी, वो त्याग करेंगी प्रेम में, चीट नहीं करेंगी किसी को, तो यहां पे दिखाया गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्त्रियां आदर्श हैं। स्त्रियों के अंदर आदर्श जरूरी नहीं है कि पाया जाए। में यहां पर इस कहानी में स्त्री के आदर्श जो स्वरूप है उसको पूरी तरह से तोड़ दिया है उषा प्रियंवदा की इस कहानी मछलियां में। आप देखिए कैसे टूट रहा है, दोनों स्त्रियों के माध्यम से यह टूटन हो रही है। एक तो मुकी है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस देख रही है रिश्ते में कि किससे विवाह करें, तो वो सेटल्ड, वेल सेटल्ड, 8,000 रुपए पा रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो उससे विवाह करने के लिए वो तैयार हो गई, मनीष उधर अलग हो गया। फिर इधर विजी को देखिए, जाते जाते ये भी एक कांड कर जाती है कि दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ खटपट हो जाए। तो यहां पर ये दिखाया है कि एक स्त्री जो है वो हमेशा आदर्श स्थिति में नहीं है, स्त्री के अंदर भी वो सारे दोष हैं जो पुरुषों के अंदर होते हैं। ये उषा प्रियंवदा जी की कहानी थी। आशा करता हूं कि आप इसके भाव भी समझ गए होंगे और केंद्रीय जो इसका एक स्टेटमेंट है कि क्या छोटी मछली पलटकर वार नहीं कर सकती, वो भी आप समझ गए होंगे। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ जाएं। ये लास्ट का 30 सेकंड मैं रोज बोलता हूं, इस 30 सेकंड को आप चाहें तो नहीं भी देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।